मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की आप मौसम जानकारी जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं पूरे देश के मौसम का हाल। यूपी बिहार में कोहरे के साथ बढ़ेगी ठंड, आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाओं के साथ ठंडक का एहसास बढ़ रहा है, शीतलहर चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बांग्लादेश और उससे सटे इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। 11 दिसंबर से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा। दक्षिणी राज्यों में पिछले 24 घंटों के दौरान केरल आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। इसके अलावा केरल तटीय कर्नाटक तमिलनाडु लक्षद्वीप रायलसीमा और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। दिल्ली यूपी बिहार पंजाब हरियाणा मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में भी कोहरा पड़ रहा है। यूपी में दिन में ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 12 दिसंबर को यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेजी से पारा गिरेगा। उत्तराखंड के कई जिलों उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ में बारिश के आसार हैं। बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सिक्किम में ओलावृष्टि की संभावना। आईएमडी के बयान में कहा गया है कि 12 दिसंबर को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में तबाह करने वाला चक्रवाती परिषद मंचाओं का कमजोर हो गया है और झारखंड में कम दबाव वाले क्षेत्र बदल गया है। आपको बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 11 और 12 दिसंबर को 5 राज्यों के लिए अलग अलग इलाकों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। आईएमडी के एक बयान के अनुसार 11 और 12 दिसंबर को उत्तरी मध्य प्रदेश उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम असम मेघालय के लिए अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। बिहार में चक्रवाती तूफान मिंचाओं के बाद राज्य के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पछुआ हवा चलने की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। बारिश का सिलसिला खत्म होते ही घना कोहरा का प्रभाव राज्य में बना रहेगा। 48 घंटे के दौरान पटना सहित अधिसंख्य भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। इसके कारण ठंड में वृद्धि के आसार हैं। पंजाब में बढ़ती ठंड से लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। कोहरे के कारण वाहन चलाने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में धूप खिलने के साथ साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।